गाइस अगले व्लॉग की स्टार्टिंग करते यहीं से ही। और मॉर्निंग हो गई है, हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे और मुझे करनी है रूम की बहुत ज़्यादा सफाई। वैसे तो सच बताऊँ आपको तो दिन हो चुका है, सफाई मैंने कर दी थी सुबह, झाड़ू पोछा वगैरह, बट पोछा नहीं करा था, सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाया था। सच बोलना चाहिए, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर ना उसके बाद ना आना आपको पता ही है कि मेरे पीरियड्स हो रहे थे, तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रखा था, तो मैं सो गई थी। ये मेरे दाने इसी वजह से निकले हैं, हॉर्मोनल चेंज जब होते हैं ना तो ये मुंह पे भयंकर भयंकर दाने निकल जाते हैं। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, आज सैटरडे है क्योंकि कल मैं कपड़े धोऊंगी, तो मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। और आज हमें थोड़ा सा घर भी डेकोरेट करना है, डेकोरेट इन द सेंस ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें लगाते रहते हैं ना, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह में अच्छा लगता है। मेरे कपड़े दो दिन से मैं नहा ही नहीं हूँ क्योंकि कल मेरे को फर्स्ट डे था, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, हद से ज़्यादा। और आज सेकंड है तो आज बहुत ही हो रहा है, इसलिए मैं मरी पड़ी थी। तो अभी मैं कर लेती हूँ साफ सफाई, उसके बाद मैं पानी लगा के आ गई हूँ, मुझे नहाना है। खाना भी मैंने चढ़ा दिया क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है। मैं तो सो लिया, मेरी नींद तो पूरी हो गई है, तो फिर नींद पूरी भी नहीं हुई यार, बस लेट रहती हूँ दर्द के मारे, लेटी थी दर्द के मारे। मगर अभी खाना वाना भी तो बना नहीं, खाना नहीं आने के लिए, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक कर दूँ यहाँ पर थोड़ा, ठीक इन द सेंस बेडशीट चेंज कर दूँ। और अब हमारा थोड़ा पार्सल से जो मैंने डेकोरेशन का सामान मंगवाया है छोटा मोटा, और आप लोग बोलते हो ना ये कहाँ से लिया, तो ये छोटी मोटी चीज़ें कहीं से भी ले लो, कभी अमेजोन में आप डालोगे ना रूम डेकोर आइटम्स, तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी डेकोरेशन के लिए, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। ठीक है, तो अभी करते हैं चेंज थोड़ा सा यहाँ का लुक, यहाँ भी हम करेंगे अभी कुछ ना कुछ, थोड़ा सा आ जाए ना मेरा सामान वगैरह, उसके बाद चलो जब तक देते आ रही। तो गाइस कपड़े तय लगाते लगाते कॉल आई है, मेरा पार्सल आया, चलो लेने चलते हैं। अरे पार्सल की बात ही कर रही थी ना, पार्सल की उम्र देख रहे हो कितनी लंबी है, इसका मतलब पार्सल जिंदगी में आते रहेंगे। पानी गर्म करने के लिए, वहाँ मेरा खाना बन रहा है। स्वीट बना लिया, सारे लोग जो रहते हैं रेंट पे तो बेड वेड खरीदने से अच्छा मेरे को लगता है अब ये खरीद लो। देखो एक तो हमने ना ये नीचे फोम खरीदा हुआ है मोटा सा, देख रहे हो फोम है ये, बहुत टाइट वाला है। तो ना पहले मेरे हस्बैंड जो मेरा मतलब फौजी लोग बैरक में रहते हैं ना, उन्हें ऐसी फोम मिलती है सोने के लिए, बट यार वो बेचारे तो एडजस्ट कर लेते हैं हर जगह पे ना, तो ये फोम ना उनको पतली वाली मिलती है, मोटी वाली ली थी मेरे हस्बैंड, बट मुझे ना इसमें नींद नहीं आती क्योंकि सीधे वाले में मेरे को बहुत चेस्ट में दर्द होता है ऐसे सोने में, मैं नीचे होकर सोती हूँ ना छाती के बल। तो फिर ना मैंने एक आइडिया लगाया, पहले ना हमारे पास ये फोम वाले दो थे, दो फोम वाले, और एक हमने ये रुई का गद्दा यहाँ से ले लिया था, 800-1000 रुपये तक का आ गया था, इसके ऊपर लगा दो, बहुत ऊंचा हो गया था हमारा। तो इस बार हमने एक फोम किसी को दे दिया था, मतलब जब हम गए थे ना इंदौर से आगे तो किसी को दे दिया था, तो अब हमारा एक ही बचा। तो मैंने कहा हमें थोड़े टाइम के लिए रहना है तो एक ही रहने देते, इसके ऊपर हमें रुई का गद्दा हमारे पास था ही, तो हमने ये लगा दिया, हम लेकर आए थे उसको अपना वापसी। तो देखो इतना कंफर्टेबल जाता है, उसके बेड शीट पिलोज वगैरह लगा के बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो आप भी अगर करना चाहो तो आप ऐसा ले सकते हो। ठीक है, फोम वगैरह गद्दे वगैरह आपको रुई हुई वाले जो तकिया के आल अगर उनके पास मिल जाएंगे, तकिए भी थे ही हमारे पास, बस हमें वो लेना पड़ा, कुछ भी लेना पड़ा, हमारे पास पिछली बार से सब था। ये वाला एरिया सही, बस इस एरिया को मुझे करना है सही। आज हम एक कंटेनर ले आएंगे, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजर होता है जिसमें सामान हम ऑर्गेनाइज कर सके, और ये तो पार्सल वगैरह भी खोल दूंगी बस, फिर और क्या। मैं जा रही नहाने के लिए, उसके बाद ये क्या हो गया, अच्छा मैं कह रही मेरे बाल गोल गोल कहाँ से हो गए, अभी मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी दिन में अपना वो सरोजनी नगर वाले कपड़ों का कलेक्शन। ठीक है,
तो मैं नहा ली हूँ और मेरे मुंह पे पिंपल आदि हो गया। वैसे ना गाइस मैं कुछ फेस पे यूज़ नहीं करती, फेस वॉश वगैरह क्रीम वगैरह, तो आज ना सिंदूर काच लगे मेरे, तो आज ना मैंने इनका ना क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश रखा था वहाँ पर, मैंने सोचा चल लगा लेती हूँ थोड़ा सा, क्या होगा जैसा थोड़ा साफ हो जाएगा मुँह। और लगाया तो मेरी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है कि कुछ लगा लूँ चिनका सा भी ताना जैसा भी, साबुन भी लगा लूँगी ना गलती से भी, वैसे मैं साबुन कभी फेस पे लगाती नहीं, कुछ भी लगाती मैं तो मेरे ऐसे दाने निकल जाते हैं, पता नहीं क्या आफत है मेरे मुंह पे। जिंग 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 जूम 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 जूम, इसमें सारे मेरे कपड़े हैं, मेरे पति के एक भी नहीं है, सब तय करे हुए, मगर कोई भी फैला नहीं है। ये सारा मेरा स्टॉल का कलेक्शन, ये सारा मेरा नाइट सूट का कलेक्शन, मतलब जो रात को पहन सकते हैं, ये सारे मेरे घर में पहनने वाले सूट जो मैं डेली यूज में मंदिर अंदर पहन के जा सकती हूँ, वो मेरे सारे नए सूट हैं। ये मेरे सारे वन पीस है वुलन वाले स्किन फिट जो मैंने पहना है ना इस टाइप के, ये सारी मेरी शर्ट्स और जैकेट स्वेटर वगैरह, ये मेरे क्रॉप टॉप जो ब्रांडेड वाले हैं सारे, पैसे वाले अमीर वाले ये हैं, ये भी है थोड़ा अमीर वाला, और यहाँ सारी जैकेट्स हैं, यहाँ स्कर्ट्स हैं, स्कर्ट्स यहाँ है नीचे, और यहाँ सूट्स हैं बस, और यहाँ थोड़ा वैसा सामान है, इयर रिंग्स क्लेचर क्लिप्स वगैरह लेंस, और यहाँ थोड़ा लिपस्टिक्स वगैरह इयर रिंग्स जो थोड़े महंगे महंगे वाले हैं, और यहाँ इसमें क्लेचर और रबड़ सारे, यहाँ मेरा बैग, यहाँ मेरा ये, और यहाँ नहीं यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ अंडरगारमेंट्स हैं और बस। चलो आज दिखाऊंगी फिर, ठीक है। अभी कुछ पार्सल्स आए हैं, तो एक पार्सल में गाइस ये था, मेरे हस्बैंड ने खोल दिया इसको, ये ऐसे करके सीनरी है, और एक बड़ी वाली बीच है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। पार्सल पार्सल पार्सल, ओह मुझे मशीन में कपड़े भी डालने थे। गाइज ये देखो कितनी प्यारी तीन सीनरी है ना, और ये पता है कार्डबोर्ड है, मतलब बहुत हल्का सा, कुछ इसमें ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कार्डबोर्ड है, सिंपल लगाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम किसी के वहाँ रेंट पे रहते हैं तो हमें किसी की दीवारों पे ऐसी कील नहीं ठोकनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने नया घर बना रखा और हम कील ठोक के दीवार खराब कर दे, तो इसलिए मैंने ऐसे आइटम्स मंगाए हैं जिसके लिए मुझे कील ना ठोकनी पड़े, तो इसके लिए मैंने ये पीछे से ये साइड टेप वाला मंगा रखा है, डबल साइड टेप है, इसमें उसको ऐसे चिपका सकते हैं और आराम से निकल भी सकता है वॉल के लिए। और जो मैंने यहाँ पर लगा रखी है ये भी बिना कील ठोके लगाए, स्टिकर नहीं आते चिपकाने वाला, आपको इस अमेजोन वगैरह से मिल जाएंगे। तो एक मैंने ये मंगाई है बहुत प्यारी सी सीनरी, और ये मैंने खोल दिया था, कल आया था मेरा, अब मैं इनको लगाऊंगी कैसे वो सब आप बाद में देखना। ड्रेस का ब्लॉग तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, इन सी चीज़ का दिखा देती हूँ कि मैंने रूम डेकोर के लिए क्या क्या आइटम्स मंगवाए। सी ये बहुत ही प्यारे से तीन नज़रबंद टाइप कुछ हैं, कलर्स कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है यार, ओ माय गॉड। मैंने सिक्स भाई ये निकल गया, वैसे इसे हम बांध सकते हैं इस टाइप का, कितना सुंदर लग रहा है, कान में पहन लो इनको बहुत ही प्यारा क्यूट लवली, सिक्स हैं ये टोटल, मैं सारे खोल के दिखा रही हूँ, ऐसे तीन इसके अंदर है तीन इसके अंदर है, तो इसके पता नहीं क्या क्या है, ये थोड़ा भारी लग रहा है। अमेजिंग, ये भी आप इसको ना वॉल पे चिपका सकते हो अलग अलग तरीके से, मतलब ऐसे साथ में ये टोटल हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, ये छोटे से टोटल
मुझे ना घर को सुंदर बनाना बहुत अच्छा लगता है। हल्द्वानी वाला रूम मेरा थोड़ा छोटा है, वहाँ की दीवारें भर गई हैं सारी, वरना मैं वहाँ पे भी और अच्छा सजाती। बाकी आपने मेरे बेड के ऊपर दीवार देखी है जो कि कैसी लगती है, आप सब से फोटो, बहुत सारे लोग मुझसे फोटोज भी मांगते रहते हैं कि बहुत सारा डेकोरेट करा है फोटो खींचो वहाँ पे। अगर मेरा रूम बड़ा होता ना और अच्छे से डेकोरेट करती। अभी जब मेरे देवर की शादी होगी ना, अभी नहीं जब भी होगी, 4-5-2-3 साल जब भी वो करना चाहें, तब हम अपना रूम छत पे बनाएंगे ना, छत पे मतलब ऊपर सेकंड फ्लोर बनाएंगे। मैंने तो पापा को बोला कि सेकंड फ्लोर बनाएंगे तो मेरा रूम तो ऊपर बनवाना बड़ा। मैंने अपने ससुर जी को बोल दिया पापा मेरा रूम बड़ा बनाना, मेरे को ये छोटा हो जाता है, इसमें मेरा सामान नहीं आ पाता, तो सामान भी नहीं आ पाता यार। और रूम क्योंकि मेरी शादी के टाइम ना जल्दीबाजी बनाया था ना पापा लोग ने वाला रूम, तो पापा खुद ही कहते हैं कि बहुत छोटा हो गया कमरा ये वाला, क्योंकि मतलब जो रहने वाला कमरा होता है वो होता है उससे बड़ा होना चाहिए। वैसे ठीक है, रहने के लिए रह रहे थे प्यार से रह रहे वही काफी। मतलब मैं वैसे बता दूँ आगे के लिए जब बनेगा कमल के लिए तो हमारे लिए बनेगा, छत पर ही कमल के लिए तो ऊपर ही बनेगा। तो हम कह रहे हैं मैं कमल और मैं जो अपना बनवाऊंगी ना, मतलब जो कमल के लिए रूम बनेगा कमल और कमल की वाइफ का, जो मेरा मेरे हस्बैंड का बनेगा, उसको मैं डिजाइन करवाऊंगी, मतलब दोनों का एक जैसी बनवाऊंगी, बड़ा और हर चीज़ उसमें अच्छी। कमल की वाइफ भी अपना जो भी होगी वो अपना वो दे सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मेरे मुँह में नहीं आ रहा, मतलब अपना सोच बता सकते हैं, इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुँह में। हाँ, और माय फेवरेट और आप सबकी फेवरेट लीव्स मनी प्लांट आर्टिफिशियल वाले मैंने एक और मंगाया पैकेट पूरा, क्योंकि इसको भी मैं देखती हूँ मैं कहाँ लगाऊंगी। ये भी आपको मीशो या अमेजोन पर मिल जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल मनी प्लांट डाल देना अपने आप ही आ जाएगा। ये देखो इसमें टोटल 10 आई है, 10 पेड़ में पेड़ बन गई मनी प्लांट का, मनी का सब मनी होता। गाइस मेरे पास अभी सच में मनी नहीं है, बिल्कुल भी खत्म हो गया मेरा सारा मनी। गिफ्ट दे दिया ना मैंने मनी से, एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए आईफोन ले लिया, फिर मम्मी के लिए मैंने वो बनाया गले का जो आप लोग पूछ रहे थे, और आप लोग पूछ रहे थे ना वो कितने का। हाँ, एक मैंने वीडियो बनाई है, मैंने भी उसमें पहना हुआ था, आप कह रहे हो अपनी सास का पहले साल, मैंने अपनी सास का नहीं पहना, वो मेरा ही है, मतलब एक मैंने अपनी सासू माँ के लिए बनवाया, मैंने दो अपने लिए बनवाए हैं, एक ग्रीन कलर का वो तो अभी तक आपने देखा ही नहीं, वो जब मेरे घर में शादी होगी मैं तब पहनूंगी, और एक रेड कलर का मेरा और है, तो बार बार ये मैं बोलो सास का पहन लिया, और सास का पहन भी लिया तो क्या हुआ, वो मंगलसूत्र थोड़ी है, मंगलसूत्र नहीं पहनते अपने अलावा किसी और का, वो तो मोती वाली माला, सिर्फ जो गोल्ड का है वो तो नीचे से लॉकेट है ना, मगर मैं अगर किसी को गिफ्ट देती हूँ तो फिर मैं उससे नहीं लेती, उनसे नहीं लेती, मतलब कि हाँ लाओ अपने आप मेरे को दो पहनने के लिए, जो मम्मी का है वो मम्मी का है, मेरे दो हैं। मैंने अपनी मेरी कुछ पेमेंट आई थी तो मैंने सोचा था मैं अपने लिए बनवाऊंगी गोल्ड का, फिर मैंने ये सोचा कि मैं मम्मी के लिए भी एक बनवाऊंगी, क्योंकि वो मेरी माँ है उनके लिए कौन बनाएगा, नहीं तो बनाऊंगी। वाओ, फूलों की माला भी आई है, आई है, बट ये वैसी वाली माला नहीं है आई थिंक, अगर इन्होंने गलत ना भेजी हो तो, वरना मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। हाँ ये गलत भेज दे, मैंने ना वाली मंगाई थी, ये इन्होंने पूरी माला वाली भेज दी, ये गलत आइटम आया है, मैंने वो छोटी वाली मंगाई थी जिसमें नीचे घंटी लगी होती है, कोई बात नहीं। वैसे ये माला भी ठीक ही है, दो पैकेट आए, एक मैं रिटर्न कर रही हूँ, एक मैं रख लेती हूँ कहीं डेकोरेट करने, मैंने वो छोटी वाली मंगाई थी वो तो आई नहीं, और ये पता नहीं क्या है झंडी वाला कुछ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लगेगा भाई मुझे कुछ बारी असली होंगी, बट लगेंगे कैसे मुझे आते नहीं लगाने। ओहो खुल गया भाई, सुंदर लग रहा है, मेरा सहरा लग रहा है, दुल्हन का सहरा सुहाना लगता है, आजा देखो सहरा लग रहा है ना मेरा, दूल्हे का कमल की शादी होगी ना मैं उसके लिए यही सहरा मंगा दूँ, पेड़ भी ऐसे फूल भी हो, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है कसम से। कितनी स्टेप्स आई इसकी, एक निकल वो टूट ना जाए भयंकर, दो टूट भी गए कुछ कुछ पत्ते, आराम से निकल ही नहीं, मैं क्या करूँ, कुछ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे, निकलो ओके, बस 3 and 4, बहुत ही ब्यूटीफुल है कसम से, बस इतनी सी पार्सल आई, मेरे पति आएंगे तब देखेंगे, खुश हो जाएंगे, आने वाले कॉल करती हूँ, बहुत देर हो गई। गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, हेलो आज आ जाना, क्या कर रहे थे तुम्हें याद क्योंकि आज घूमने जाने ना तैयार नहीं हो फिर तुम, मजाक कर रही हूँ, नहीं जाना मुझे, जाना है नहीं, नहीं आओ यार आराम कर लेते हैं, नहीं
न्यू ईयर मना के आएंगे जल्दी आओ चाय बना दूं मीशो के सारे पार्सल आ गए मैंने खोल दिया आओ अभी लगाया नहीं मैंने अभी तो आया देखो ये वाला देखो कितना सुंदर लग रहा है तो ये भी अच्छे लग रहे होंगे क्यों हाँ अच्छे लग रहे हैं मगर कोई बात नहीं देखो ये वाला देखो कितना सुंदर है ना इसको मतलब जैसे एक में पकड़ो इसको जैसे हमने ऐसे करके दीवार पे लगा दिया देखो एक दो तीन कितना सुंदर लग रहा है ना ये तो ऊपर से अच्छा लगता है ना है? ये तो ऊपर अच्छा लगता है ऊपर कहाँ ऊपर अच्छा वहाँ का कौन देखने आ रहा है तो गाइस कमल की शादी में उसके लिए यही सहारा ले लेंगे कमल ऐसे दुल्हन का तो ये तो है भाई चुप रह लो बाबू यार कैसे बोलते हो बाबू सुन हम जा रहे हैं घूमने के लिए और मैं हो गई हूँ रेडी कैसी लग रही हूँ मैंने ये पहनी है ब्लैक कलर की स्किन फिट ड्रेस और मैंने लगाई ये बहुत ही सुंदर बेल्ट और ये बेल्ट मैंने कहाँ से ली आपको मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ये चोरी करी है मजाक कर रही हूँ मैंने अमेजोन से एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मंगाई थी मैंने अमेजोन से एक ड्रेस मंगाई थी बहुत ही प्यारी सही बताऊँ तो उस ड्रेस में ना ये बेल्ट लगी हुई थी और ये इतनी सुंदर थी उसमें एक साथ में पॉकेट भी थी मैंने अपनी दीदी है उनकी बेटी के लिए मंगाई थी वो ड्रेस तो उसमें ये साथ में बेल्ट और ये लगी हुई थी तो मैंने वो ड्रेस उसको दे दी और उसमें से ये बेल्ट और ये क्या बोलते हैं पर्स निकाल लिया क्योंकि ये मेरे पे क्यूट लगता है थोड़ा सा तो मैंने दी को बता भी दिया कि मैंने ऐसा ऐसा करा है और मैंने ये ले ली क्योंकि हर ड्रेस पे भी मैच करी और ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली है ये मैंने ड्रेस ली है हल्द्वानी में एक मेला लगा था नुमाइश मेला वहाँ से और बहुत ही सस्ती ड्रेस है नॉट ज़्यादा महंगी और बट लगेगी आपको मेरे ऊपर महंगी थोड़ी क्योंकि स्किन फिट ड्रेस है मेरे को इस टाइप की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है ना मस्त एकदम ठंडी वुलन वाली भी एकदम गर्म ठंडी भी नहीं लगेगा मेरे को इसमें और दिखने में भी बहुत प्यारी है तो मैं हो जाती हूँ रेडी और इसके पास मैं जैकेट डालूंगी अभी नहीं डालूंगी जब मुझे ठंडा लगेगा डिग्गी में रख लूंगी अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए बस यहाँ थोड़ा सा ये पार्सल वार्सल फैले पहले मैं इन सफेट लेती हूँ उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ उसके बाद फिर मैं जाती हूँ बाल पहले सुलझा लूंगी आई मीन बाल शीशा कितना गंदा हो रहा है यार इसे कल कॉलिंग से साफ करना पड़ेगा पति देव से पूछ तो कैसी लग रही हो कैसी लग मस्त लग रही बाबू तू अरे मैं तैयार होने जा रहा था मस्त लग रही तू मैं तुमको देख लिया था मस्त मस्त लग रही क्यों देख रहे मेरे पर्स को इतनी बड़ी पता है ना मैंने चुराया था नहीं बाबू जल्दी तैयार हो अगर सिर्फ दो सेकंड ठीक है टक टक गाइस ये इनकी अलमीरा है छोटी सी मेरी वो बड़ी वाली आप ये मत समझना कि मंदिर के बगल में हमने शूरैक लगा रखा है ऐसा नहीं है शूरैक हमारा बाहर है बोरा और उसके ऊपर वाइट कपड़े रखे हैं जो कि कल धोलेंगे बाकी सारे मैंने मशीन में डाल दिए बट वाइट अलग से धोलेंगे और तो ये शूरैक नहीं है आप गलत मेरे को बहुत टेंशन होती है कि जब मैं इस वीडियो को डालूंगी यहाँ पर तो लोग ये ना बोले कि मंदिर के बगल में शूरैक रखा है तो ये अलमीरा है ठीक है कपड़े हैं इसके अंदर क्लियर हो गया आप लोगों को तो गाइज यहाँ पर बहुत सॉन्ग्स चल रहे थे इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि आ जाता फिर कॉपीराइट तो हम यहाँ गए घूमने के लिए पहले एक बहुत अच्छी जगह मैंने सुनी थी मतलब इंस्टा पे मैंने किसी की वायरल वीडियो देखी थी सैम मोमोज करके अगर कोई इंदौर में रहता होगा तो उसे पता होगा तो हम यहाँ मोमोज खाने आए बट यहाँ भी मोमोज वैसे ही थे कच्चे जैसे बट तंदूरी मोमोज बहुत टेस्टी थे बहुत ही टेस्टी फिर हमने यहाँ पर यहाँ ना इतनी टाइप की मैगी थी भाई मेरी बेइज्जती जैसी हो गई थी सच में इतनी टाइप की मैगी कि मुझे नाम ही नहीं पता था इतनी सारी मैगी की मैंने मतलब भैया क्या लिखा मतलब ना कुछ एल ओ एल मैगी टी ओ वाई मैगी अलग अलग सी मैगियाँ थी फिर उसने मुझे बताया यहाँ पर अलग अलग टाइप की हैं फिर हमने खाई मैगी बहुत टेस्टी थी और तंदूरी मोमोज बहुत यम्मी थे अगर आप जाओ तो ट्राई करना सैम मोमोज डाल देना कितना सुंदर डेकोरेट करा हुआ है वाह इसकी पार्किंग यही है क्या हम आ गए C21 मॉल और इन्होंने यहाँ पर मूवी की टिकट्स बुक करी हुई है पहले हम देखेंगे मूवी पता है आपको एनिमल मूवी अभी तक हमने देखी नहीं मेरे पास तो बहुत सारे मौके थे जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बट मैं इनकी वजह से नहीं गई मैंने सोचा था मैं अपने हस्बैंड के साथ ही देखूंगी और मेरे पास मोबाइल में भी है बट तब भी मैंने देखी नहीं अभी तक क्योंकि मैंने सोचा था मैं इनके साथ ही देखूंगी
अब ये आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं। मोबाइल में इन्होंने बोला नहीं देखेंगे क्योंकि इनको मोबाइल में देखना पसंद नहीं, तो फिर हम यहाँ आए सी ट्वेंटी वन मॉल। अभी हमने बहुत सारे स्नैक्स वगैरह खाए, अब जाएंगे मूवी देखने, फिर खाना भी खाएंगे बाहर ही। आज सैटरडे इज माई डे। बहुत प्यारी मार्केट में, इतनी सुंदर है, मगर सब कुछ बहुत महंगा महंगा है। महंगे से भी दिक्कत नहीं है, मगर कलर नहीं समझ आ रहा मुझे। देखो कितने प्यारे एयररिंग्स हैं। जो लहंगा मुझे शादी में पहनना है ना, पहले मैं उसकी फोटो मंगवाऊंगी, उसके बाद फिर ये मीडियम मिलेगा। ये पिंक पिंक नहीं मैंने ये सुंदर सा सूट लिया, मीडियम साइज है ना भैया दोनों, स्मॉल भी है इनमें साइज, दुपट्टा ये रहा उसका, उसका अलग हुआ है ना। अच्छा ठीक है ठीक, हाँ ठीक। गाइस इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं, मतलब सूट है यहाँ पर, वाओ आई लव दिस सूट। इंदौर में सी 21 मॉल नीचे मार्केट लगी है ना, वहाँ पर आएगी। बैठिए मैडम बैठिए। राजा गुस्सा।